हेलो एवरीवन, इट्स राबिया फ़रोक हेयर। आज मैं आप लोगों को बहुत सेंसिटिव टॉपिक पर एक बात बताना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी और समझाना चाहूँगी। आजकल बच्चे जो हैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो पा रहे हैं, उनके पीछे रीज़न क्या, व्हाई चिल्ड्रन डोंट टेक इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज़। इसके पीछे बहुत सारा वजह है जिसको हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे सबसे पहला वजह हो सकता है लैक ऑफ मोटिवेशन। बच्चे में मोटिवेशन ही नहीं रहेगा कि पढ़ना क्यों है, उसका वैल्यू क्या है, एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। अगर बच्चों को ये पता ही नहीं होगा तो बच्चे बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहेंगे। दूसरा चीज़ हो सकता है कि उन्हें याद नहीं हो पाती हो कोई चीज़ें जल्दी, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ आती होगी उनके लाइफ में। तो ये मेजर प्रॉब्लम होती है स्पेशली छोटे बच्चों के साथ कि उनको एक चीज़ बार बार याद करवा रहे लेकिन फिर भी नहीं याद हो रही है। तो दिस शुड बी द सेकेंड रीज़न कि चिल्ड्रन जो है अपनी पढ़ाई के रिगार्डिंग इंटरेस्टेड नहीं हो पाते हैं। तीसरा मेजर रीज़न हो सकता है बोर्डरम। बोर्डरम होता है जब बच्चे एक ही चीज़ को पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। चौथा रीज़न हो सकता है डिस्ट्रैक्शन, एंड द फिफ्थ रीज़न इज़ पर्सनल प्रॉब्लम। अब मैं इन पाँचों रीज़न्स पर एक डिटेल में बात करना चाहूँगी। पहला, लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन क्यों हो सकता है? या तो उनको वैसी सराउंडिंग नहीं मिल रही हो जिससे वो पढ़ सके, अगल बगल के लोग, घर के लोग वैसे ना हो जो उनको पढ़ाई का इम्पोर्टेंस बता सके कि क्या इम्पोर्टेंस है पढ़ाई का, पढ़ाई करके आप क्या अचीव कर सकते हैं। तो ये मेजर रीज़न हो सकता है, बच्चा अगर मोटिवेटेड ही नहीं है तो वो क्या पढ़ पाएगा। दूसरा है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। बच्चे को अगर उसी बोरिंग मेथड से कंटिन्यूस एक ही चीज़ को रटवाया जाएगा तो बच्चा याद नहीं करेगा। तो वी हैव टू ऑप्ट फॉर द न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग। हमें बच्चे को सिखाने के लिए न्यू मेथड्स हमेशा अप्लाई करनी चाहिए कि ताकि बच्चे जो है पढ़ाई के रिगार्डिंग इंटरेस्टेड रहें, बच्चे याद कर सके। लाइक पहले जो थे ABCD जो नॉर्मल तरीके से याद कराया जाता था, ABCD, लेकिन आज के डेट में अल्फ़ाबेट्स सीढ़ियों पे लिख दिए जाते हैं, फिर अल्फ़ाबेट्स के बहुत सारे ब्लॉक्स आते हैं जिससे बच्चे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो उनको वो लर्निंग का जो डिफ़िकल्टीज़ है वो ख़त्म हो जाता है वहीं पर। बोर्डरम की बात है, बच्चे बोर हो जाते हैं एकदम एक ही चीज़ कंटिन्यूस, लेकिन उन्हें ब्रेक दे देकर, खिला करके, बच्चे को कुछ सिखाते हुए सिखाइएगा तो वो बोर नहीं होंगे। डिस्ट्रैक्शन जो है मेजर प्रॉब्लम है, इसलिए बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजीज़ उनके लाइफ में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है कि अगर वो किताब भी पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में मोबाइल चलता है, सोशल मीडियाज़ चलते हैं, फेसबुक चलता है, कार्टून्स चलते हैं, जिसकी वजह से वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती हैं। पर्सनल प्रॉब्लम जैसे घर में पेरेंट्स में अच्छा बन नहीं रहा हो, या हर टाइम बच्चे को डांटा जा रहा हो, कुछ भी इस टाइप का अगर प्रॉब्लम होता है तो भी बच्चे पढ़ नहीं पाते। और इस चीज़ों को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बच्चे क्या वजह है कि नहीं सीख पा रहे हैं, बच्चा क्या रीज़न है कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो अगर हम लोग इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो बच्चे को पढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा और बच्चे पढ़ने भी लगेंगे। थैंक यू सो मच।